और फिर उसने मुझसे कहा। मुझसे मिलने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसको लड़कियां ज्यादा पसंद है और वो चली गई। मैं तो चला सुनो। अरे रुको रुको यार, अभी वेंडी की स्टोरी तो रह गई। अरे नहीं नहीं यार, सोने चलते हैं, बहुत रात हो गई। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, पर वो स्टोरी सुनाने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों का कभी चूतिया घटा है? चूतिया ना सबका घटता है एक पॉइंट। हाँ वो तो है, और मेरी स्टोरी भी इसी पॉइंट के बारे में। 12वीं में पापा की ट्रांसफर हो गई, शहर और स्कूल दोनों बदल गए, पुराने दोस्त, पुराने दुश्मन और पुरानी यादें सब वही रह गए, यहाँ सब नया था। नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूं बस, लेकिन मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा, देश में क्रांति ले आऊंगा, दुनिया का हिला के रख दूंगा। अगर किसी अबला पे दोबारा अत्याचार हुआ तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय, आप अत्याचार की बात करते हैं, यहाँ हमारे बारे में कोई विचार भी नहीं करता। कितनी गर्मी है यहाँ माँ, सेक्सी माँ। सब आप ही के बारे में तो सोच, देखिए सब अपना अपना पकड़ के खड़े, मौका मिलते ही हिला डालेंगे। सच, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो। जैसा कि आपने सुना और देखा हमारे वरिष्ठ नेता के सुविचार। अबे चुप, वरिष्ठ, ये वरिष्ठ, और साले क्या बोला तू, दुनिया का हिला देगा। भाई मेरा वो का और को थोड़ा फंसता है, मेरा मतलब था कि दुनिया को हिला देगा। अबे चुप, और क्या बोला, देश वाले अपना पकड़ के खड़े हैं। ख्याल, ख्याल पकड़ कर खड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और मौका मिलते ही हिला देंगे, दुनिया दुनिया हिला डालेंगे। अबे चुप, साले एक और शब्द बोला ना तेरे कान के नीचे बजाऊंगा एक। और हाँ, वो सेक्सी माँ कहाँ है, वो सेक्सी माँ? सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। कहाँ से लाए हो यार इसे? भाई तेरी क्लास से। अरे चुप, सॉरी भाई वो। अबे क्या सॉरी सॉरी, 4 दिन में पूरे स्कूल के सामने ये नाटक दिखाना है, ऐसे करेंगे, अबे ये नाटक दिखाएंगे। भाई हम लोग कवर अप कर लेंगे। अबे चुप यार, भाई भाई बोला ना, चुप भैया हो जाए। चुप, सुनो तेरी माँ की। आप लोगों को देखा तो बड़ा मजा आया, मैं भी कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ सच में? हाँ पक्का? हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। अभी क्या बोली है यार? क्या अभी क्या बोली है यार? साफ तो बोली कि हमारा प्ले ज्वाइन करना चाहती है और कल से रिहर्सल पर आ जाएगी। अच्छा। हाँ। रोज आएगी? भाई मेरी तरफ से तो ना। क्यों भाई, आपने तो कही थी प्ले में लड़की मतलब डिस्ट्रैक्शन। मैंने कब कहा है? अबे मैंने कब कहा भैया, पर इसे रोल क्या देंगे? कुछ भी मतलब? अबे कुछ भी दे देंगे यार, तेरा रोल तो गया। पहली बार जब देखा था ना उसे, धमाका ही हो गया था यार, आसपास गिटार बजने लगे थे, आसमान गुलाबी हो गया था और मुझे पहली नजर के प्यार में पूरा विश्वास हो गया था। मेरे दिल की डायरी में जो, मेरे दिल की डायरी में जो तस्वीर तेरी है। सपनों में आती है
को सताती है जो हिंदी की कक्षा में दौड़ी चली आती है जो सपनों में आती है जो दिल को सताती है जो हिंदी की कक्षा में दौड़ी चली आती है जो तुम्हें पता है उस लड़की को लगा कि मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा और जब मैंने सारे के सारे आंसर्स दिए ना वो तो जल भुन के राख हो गई। स्नेहा हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो। वो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बोलो ना। I like you. बस इतनी सी बात। इवन आई लाइक यू इसलिए तो तुम्हारा प्ले ज्वाइन किया। सीरियसली? और नहीं तो क्या। अच्छा अब मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय बाय। सच्चा प्यार। Oh, how cute! Such a cute love story. पहली बार में यहाँ बोल दी? नहीं नहीं नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। अरे यार, करती ना वही मनहूस वाली बात। अब तेरे साथ नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के साथ नहीं होगा। मैं मान ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, इसकी बात भी गलत नहीं है। लड़कों और लड़कियों में सिर्फ इतनी सी बात तो अलग होती है। लड़कियाँ अपने शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोलती हैं। लड़के कभी उन शब्दों को नाप तोल कर सुनते ही नहीं। उतर उतर। मैं मारूंगा तेरे को। ओए ओए ओए, बी मैच्योर गाइस, बी मैच्योर। मेरी बारी है, उतर। अबे पागल है क्या? ओए ये क्या बात है? या नहीं यार, हटना यार, उतरना यार। क्या कर रहा है? ओए चीटिंग है, बहुत चीटिंग कर रहा है। ये चीटिंग है, मैं नहीं मानूंगा। ओए क्या बात है? ओए तू हट जा, पीछे हट जा, मैं बता रहा हूं तुझे, हटना है। क्या सालो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। 24 घंटे बस मजाक। अबे कहाँ रह गई यार? पता नहीं यार, पर भैया आपने ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। रोज 10-15 मिनट लेट होती थी तो कोई बात नहीं, पर आज शो से एक दिन पहले ये सब। इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को मत लो। मैंने तो पहले ही कही थी। कही नहीं थी? कही थी चूरन। कही थी? और आज तो एक घंटा हो गया। अरे भाई कल शो है और रिहर्सल भी तो जरूरी है ना। भाई आ गई आ गई आ गई आ गई। अबे चोचरी के दिख रहा है मैं भी पागल कहीं का। अरे तुम कहाँ थी? हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं। ए तैयार हो जाओ सारे। वेंडी सुनो। क्या हुआ? एक्चुअली मैं ये प्ले नहीं कर सकती। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। फिर एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा अपसेट है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। बॉयफ्रेंड? हाँ आशीष। सिलेक्शन का नहीं हुआ? यूपीएससी। यूपीएससी? हाँ मतलब वैसे तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, पर कल ना वो सुसाइड तक की बातें कर रहा था। वो बहुत ज्यादा अपसेट था, वो रोज मुझे लेने आता था। कल जब आया तो बहुत ज्यादा दुखी था। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसे टाइम में मुझे उसे सपोर्ट करना है, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने कभी बताया नहीं? हाँ मतलब पूरा दिन रिहर्सल्स में होते थे, फिर क्लासेस होती थी, टाइम ही नहीं मिला। पर हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना? वेंडी आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड राइट? डोंट टेल मी कि तुमने इसका भी कुछ और मतलब निकाल लिया। अरे नहीं। ओ माय गॉड वेंडी, आशीष ना बिल्कुल सही कहता है। तुम सारे के सारे स्कूल वाले निब्बे ना सबके सब एक जैसे होते हो, इमैच्योर। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। डिसगस्टिंग। अरे अरे सुनो तो। मैंने तो पहले ही कही थी। अरे, अरे चुप कर यार। आशीष
उसका 25 साल का आशीष। यार वो दिन मेरी स्कूल लाइफ का सबसे ट्रेजिक डे था। तो तुम्हारा प्ले हुआ? अरे वो तो होना ही था। मेरे दिल की डायरी में जो तस्वीर तेरी है। मेरे दिल की डायरी में जो तस्वीर तेरी है। मुझे तब समझ में आया कि भगवान ने हम सभी के लिए खेल सेट करके रखा हुआ। इस दुनिया में अपने पार्टनर को ढूंढो, नहीं तो लाइफ लॉन्ग अकेले रहो। और ये खेल दिमाग से नहीं, सिक्स सेंस यानी कि दिल से खेला जाता है यार। तभी जब हम इस खेल में हारते हैं ना, सीधा दिल टूट जाता है। हाँ, पर हम ये खेल जिंदगी भर खेलना छोड़ते नहीं है। अच्छा, तुम्हारे को देखने के बाद ही तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वाला खेल एक बार खेल ही लेना चाहिए। तो तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये लड़कियां हर बार मजाक में सीरियस बातें और सीरियस बातों में मजाक कैसे ढूंढ लेती हैं? हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना प्लीज। हाँ, मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, लव यू।